अच्छा, इनमें कोई मसाला लगता है या फिर ये बिल्कुल प्लेन होती है, बगैर मसाले की सादी होती है? जब हम शाम परोई दीदने तो आसमान सितार में, मेहनत के बगैर कोई बंदा तरक्की नहीं करता। तुम लोग शर्माते हो। गार्डन हो गया। अंडे वाला सूप। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन और हज़रात, वेलकम टू द चैनल ऑफ ज़ैन अदर ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज भी हम ऐसे ही निकले प्लान करके व्लॉग के लिए। तो व्लॉग का मूड हो गया है, दरअसल मूड व्लॉग का नहीं हुआ, व्लॉग तो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। खाने पीने का मूड हो गया है, बच्चे साथ हैं, बच्चों ने कहा मछली का मूड हो रहा है, तो बच्चा पीछे आया हुआ है, आप देख लें। तो वो बड़ा बच्चा, ये बच्चा नहीं, ये बड़ा झेंडला बच्चा, ये बदनी बच्चा आया हुआ है। तो वजनी बच्चा जो है आजकल मछलियाँ खाने का मूड हो रहा है, मछलियाँ खा रहा होता ना। मैंने कहा चलो चलते हैं, मछली खाते हैं या कुछ और खाते हैं, बस कुछ खाते हैं, बाकी साथ चले आप देखिए। हाँ, मैं ये सोचा था कि मछली का अभी आप इंडोर्स नहीं करें, कहीं कुछ और खाना पड़ गया तो फिर ये आपका जो इंट्रो है वो हरे हो जाएगा। नहीं तो मछली का तो ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे और क्या, जो मिलेगा खा लेंगे, खाना है और क्या। चले फिर चलते हैं, स्टे ट्यून, चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। हाँ भाई, आ गए अब हम दुम्बा बोटी खाने, कौन की फरमाइश पे। क्या रुपए चल रही थी? गाड़ी करेंगे लॉक। चलो भाई जा रहे हैं, हम आ गए हैं यहाँ पे दुम्बा बोटी के पास, ये जहाँ बन रही है, दिखाते हैं। ये इनका निजाम है, ये हर उसमें जो है ना एक चत्ती या आवाज ऐड करते हैं। दिखाओ, ये दिखाओ मुझे, भी दिखाओ, ये दिखाओ, ये इनके अपना कबाब है, दुम्बे के कबाब है, नहीं अफगानी कबाब है, दुम्बे के नहीं है, दुम्बे अफगानी गोश्त के। अच्छा, गोश्त ये दुम्बे का होता है, ये बीफ है, ये दुम्बा है। लगना शुरू थी गई है, ये बंद कर दो। अच्छा, इनमें कोई मसाला लगता है या फिर ये बिल्कुल प्लेन होती है, बगैर मसाले की सादी होती है? मसाला लगता है। मसाला लगता है, मसाला क्या है, मसाला दिख नहीं रहा है, मिक्स करते हैं ना मसाला। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मसाला कह रहे हैं मिक्स करते हैं। अच्छा, इसको खाएगा कैसे? ऐसे रोटी के साथ, ऐसे भी खाते हैं, कैसे ऐसे ना। भाई का मूड हो गया है, मेहनत के बगैर कोई बंदा तरक्की नहीं करता। तुम लोग शर्माते हो, क्या कह रहे हैं? यार मैं कह रहा हूँ भाई गाना गा रहे हैं, भाई का गाना आना चाहिए, गाना। चलो भाई, जब हम शाम परोई दीदने तो आसमान सितार में शुमारम। विक्की भाई, विक्की भाई मस्त हो गए, ज्यादा पीता, नोट करा ना आपने, हर ब्लॉग में सूप पी रहा। हाँ, यही पीते, और मुझे कहते थे कि मुझे ज्यादा पसंद है अंडे वाला सूप। सुनने में आया है कि हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है। शुक्र, ये तो जैन की ऑन क्या खाएगा? मेरे वही दर्जन नहीं है, दर्जन मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खाई नहीं है, फिर आप लोग खिलाएंगे तो चेक करो, कल मैं सूप पीऊंगा। चेक करने में ही ना आप जो है ना पूरी खा जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा, एक बंदा एक बोटी से करता है, दो से करता है, वही ना कह रहा हूँ, जितने शौक से खा रहे हैं ना, चेक करने में पूरी खा जाएंगे। ये दिल लूट लिया तुमने यार, क्या लूट लिया, दिल लूट लिया। हाँ हाँ हाँ, गार्डन 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 हो गया। इतनी अच्छी है कि तो खाली सही है, क्या रिव्यू, वाह वाह, मजा आ गया, पानी पानी आ गया। रवाज खाने के बाद पानी है, पहले से आ रहा है? पहले से आ रहा था, रवाज खाते भर गया, मतलब ज्यादा हो गया पानी, बहुत ज्यादा।
ये क्या मंगा लिया? नान, नान विद मसाला ते रायता ते चटनी। आहा हा हा। चलो आ जाओ अपने भी। वाह वाह वाह। क्या करेगा यार? मैं सारी तुझे मिक्स करके जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। ये देख लो, तुम ले सकते हो ऐसा मजा। अफगानी पुलाव मंगवा लिया है। जब आए हो अफगानी डिशेज खा ही रहे हो तो अफगानी पुलाव जो जान है, मजमे की जान, खानों के मजमों की जान, भी ट्राई करो। मजा आ जाएगा। और छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या शाफियो शाफियो। सच बात बता रहा हूँ, बात है। मैं भी ना जरा खा के ट्राई करता हूँ। और गोश्त तो खाना पड़ेगा, बगैर गोश्त के तो डॉक्टर ने मना किया कि कोई भी निवाला आपका ना गोश्त खाए। अगर बोटी के ना ट्राई करो, ट्राई जम जम गई। ताज़ा है तो सच में बहुत मज़ा मिल रहा है। बड़े इंतजार के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जो मेरी पसंदीदा चीज़ है, सूप। कॉर्न सूप। और इसकी स्पेशलिटी ये, जितना चिकन ये लोग डाल के देते हैं ना फूड स्ट्रीट पे, यहाँ पे भाईजान चौक पे, कोई नहीं डाल के। भाई भाईजान चौक के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हो गए? मुझे यही लग रहा है। और सूप वाला तो जैन का दीवाना हो जाएगा। हम कोई भी व्लॉग करें उसमें सूप जैन का लाजमी उसी से आता है। पसंद है ना भाई, अच्छा बना रहा है। जो अच्छा बनाएगा इंसान वहाँ जाएगा। सूप तो बादशाह काले का काले का सूप का भी ब्लॉग करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। और उसने मुझसे रब्ता भी किया था कि यार रजा भाई प्लीज आप आए, चाहेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। ताज होटल है ये, ठीक है। और ये वाकई है, आप लोग जब आयशा मंजिल वाला है ना आगा खान, वहाँ से उसी गली में ही है, उसी गली में जो फूड स्ट्रीट है ना, तो आगे जाएंगे आपको लेफ्ट हैंड पे नज़र आ जाएगा ताज होटल। कौन सी मस्जिद से? हाँ मदनी मस्जिद से पहले, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई हो एड्रेस बताने में तो आप करेक्ट कर। नहीं एड्रेस बिल्कुल सही बताया है, आगा खान वाली गली जो फूड स्ट्रीट है, अंदर आएंगे मदनी मस्जिद से थोड़ा सा पहले आपको होटल मिल जाएगा। हाँ ये आना चाहिए यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे और ताकि आप लोग एक्सप्लोर करें। हमने तो एक्सप्लोर कर लिया, हम तो पहले से खा रहे हैं बहुत, और आप लोग भी आएँ खाएँ इन्जॉय करें। से लासेस की जो दुम्बा बोटी बहुत मशहूर है, वैसे यहाँ की दुम्बा बोटी भी बहुत मशहूर है और इनफैक्ट टेस्टी भी बहुत है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिए। और अफगानी पुलाव भी अच्छी। हाँ अफगानी पुलाव भी अच्छा, ये भी आपने सही बात, दोनों चीज़ें उससे अच्छी लगी। अच्छा सराबगढ़ वाली से ज़्यादा अच्छी। चलें भाई एक रिव्यू आया है कि सराबगढ़ वाली से ज़्यादा अच्छी लगी, सुन रहे हो? जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर व्लॉग में आपको लाजमी हम मनखबत नात ज़रूर सुनने को मिलती है, बेशक। तो आज भी कुछ माहौल को समझते हुए एक बहुत ही प्यारी कव्वाली कह लें, कलाम कह लें, हम कह लें, जहन में आई है तो उसके कुछ अल्फाज हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो तवज्जो चाहते हैं। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये जमीन जब न थी ये यहाँ जब न था, जमीन जब न थी यहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था।
यार ये क्या चीज है भाई? इसके मन तो है, मन तो है, इसका नाम मन तो है, मन तो है। ये कैसे खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं? चम्मच के साथ, चम्मच के साथ खाते हैं। यार ये देखें, ये भी कोई नई चीज है, नई चीज है, मजे की लग रही है। ये वाइट वाइट गैस के ऊपर दही डाल, दही है जी। अच्छा मतलब कोई नमकीन डिश है ये? तैयार है अभी। यार ये तो नई चीज है, है? ये भी ट्राई करेंगे मार्केट में कुछ नया। हमारे तो इनको पसंद है, इनको बताओ क्या है। ये किस चीज का बना हुआ है? ये इसके अंदर कीमा होते हैं। कीमा है? किसका कीमा? बीफ की। बीफ का कीमा। और ये क्या है? ये क्या है? आटा शाटा है क्या? ये आटा है, आटा है ना। तो भाई बता, यूनिक टेस्ट है यार। यूनिक यूनिक नहीं बता, अच्छा है बुरा है? अच्छा है। यही करते हैं, सारे मामला हो गए। हमने यहाँ पे दुम्बा बूटी भी खा ली। प्लान हमारा था कि हम मछली खाने जाएंगे, लेकिन हम आ गए यहाँ पे दुम्बा बूटी की तरफ, दुम्बा बूटी खाने के लिए। अफगानी बूटी जो होती है बेसिकली, तो ये भी खा ली है हमने, और हमने अफगानी पुलाव भी खा लिया है। और क्या खाया हमने? ये मंतू, ये मंतू भी खा लिया हमने, और सब कुछ बहुत अच्छा था। और आप लोग भी आए, कावा भी दिया, यहाँ का कावा भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो खैर, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सलाम।